दिल्ली की सीएम आतिशी मंगलवार की सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही हनुमान जी से सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, ईश्वर हम सबको शक्ति और साहस दे ताकि हम दिल्ली के विकास और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल के विजन को आगे बढ़ा सकें। उन्होंने कहा, आने वाले चुनाव में फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनना है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल पर हमेशा हमला हुआ है। हनुमान जी हमारे संकट मोचक है, वो सब संकट दूर करेंगे। सीएम आतिशी ने कहा कि पिछले 2 साल में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल पर हर तरह के हमले हुए हैं। हमारे दुश्मनों ने कोशिश की कि उन्हें तोड़ दें, वे हमें दबाना और चुप कराना चाहते हैं। उनकी कोशिश दिल्ली वालों के काम को रोकने की है, लेकिन बजरंगबली ने हर संकट में आम आदमी पार्टी की रक्षा की। उन्होंने दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय राजधानी में रहने वालों की रक्षा की। आतिशी ने कहा कि आज हनुमान जी से मैंने एक ही चीज मांगी, जिस तरह से उनका आशीर्वाद हम पर बना हुआ है वैसे ही बना रहे। हम उनके आशीर्वाद के साथ दिल्ली वालों के काम ऐसे ही करते रहें। इसके बाद उन्होंने सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की रिपोर्ट पर कहा कि हम इसे देखेंगे। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली थी। सोमवार को दिल्ली सचिवालय पहुंचकर उन्होंने सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली। मंगलवार को उन्होंने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर उनसे दिल्ली वालों के लिए आशीर्वाद मांगा। आपको बता दें, ठीक अरविंद केजरीवाल की तरह ही आतिशी मार्लेना भी मंदिरों के दर्शन करने पहुंच रही हैं। आज मैंने कनॉट प्लेस के इस प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन किए। हनुमान जी हमारे संकट मोचन रहे हैं। पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली सरकार पर, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पर हर तरह के हमले हुए हमारे दुश्मनों द्वारा। उन्होंने कोशिश करी कि हमें तोड़ दें, हमें दबा दें, हमें चुप करा दें, दिल्ली वालों के काम रोक दें, लेकिन हनुमान जी ने हर संकट में आम आदमी पार्टी की रक्षा करी, अरविंद केजरीवाल जी की रक्षा करी, दिल्ली सरकार की रक्षा करी और दिल्ली वालों की रक्षा करी। तो आज हनुमान जी से मैंने एक ही चीज मांगी है कि जिस तरह से उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहा है वैसे ही बना रहे। हम उनके आशीर्वाद के साथ दिल्ली वालों के काम करते रहे और उनके आशीर्वाद के साथ आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं।